कर्नाटक में सत्ता की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। जेडीएस कांग्रेस के समर्थन से तो भाजपा निर्दलीयों विधायकों के समर्थन से सदन में बहुमत साबित करने का दावा कर रही है। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए जेडीएस कांग्रेस और भाजपा के बीच दांव चले जा रहे हैं और दावे पेश किए जा रहे हैं। दक्षिण के इस दुर्ग में सरकार किसकी बनेगी, फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सबकी नज़रें राज्यपाल वजूभाई वाला पर टिकी हैं। एग्जिट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान जताए जाने के बाद समझा जा रहा था कि भाजपा जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना लेगी, लेकिन नतीजे आने से पहले रुझानों के दौरान ही कांग्रेस ने कुमारस्वामी को सीएम पद का ऑफर देकर भाजपा का सकते में डाल दिया। कांग्रेस की बिना शर्त इस पेशकश को कुमारस्वामी ने भी लपकने में देरी नहीं की। भाजपा जो यह पहले मानकर चल रही थी कि सीटें कम होने की स्थिति में वह जेडीएस के समर्थन से सरकार बना लेगी, लेकिन कांग्रेस के इस दांव से अब उसका राजनीतिक समीकरण उलट पुलट हो गया है। साल 2004 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। दोनों पार्टियों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर ढाई ढाई साल का समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार कुमारस्वामी पहले 20 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन 20 महीनों का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वह अपने वादे से मुकर गए। कुमारस्वामी के इस धोखे के बावजूद 2018 के कर्नाटक के इस जंग में जेडीएस को लेकर भाजपा कभी हमलावर नहीं रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा की प्रशंसा की, जिससे यही संदेश गया कि जरूरत पड़ने पर दोनों दल मिलकर सरकार बना सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की जो युगलबंदी देखने को मिल रही है, यह अनायास नहीं है। इसके पीछे बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। कांग्रेस और जेडीएस को एक साथ लाने में मायावती ने बड़ी भूमिका निभाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझानों के दौरान बसपा सुप्रीमो ने पहल करते हुए पहले यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और फिर जेडीएस के मुखिया एचडी देवेगौड़ा को फोन किया। रिपोर्ट के मुताबिक मायावती ने दोनों को एक साथ आने के लिए मनाया और उनसे सरकार बनाने का दावा पेश करने को कहा। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। खुद सिद्धारमैया और जेडीएस नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद सिद्धारमैया जेडीएस के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। कर्नाटक में इस बार जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली देवेगौड़ा के साथ कई रैलियां कर चुकी मायावती ने पूर्व प्रधानमंत्री को कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए उन्हें भरोसे में लिया। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बसपा एक सीट जीतने में सफल हुई है, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक चुनाव के रुझानों में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनते ही मायावती ने अपने करीबी सहयोगी और राज्यसभा में अपने सांसद अशोक सिद्धार्थ से बात की। अशोक सिद्धार्थ जो कर्नाटक में बसपा के प्रभारी हैं, मायावती ने उन्हें कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से मिलने को कहा। आजाद ने इस नए राजनीतिक समीकरण को लेकर जहां सोनिया गांधी से बातचीत करनी शुरू की, वहीं मायावती ने देवेगौड़ा को फोन कर उन्हें भरोसे में लिया। इसके बाद मायावती ने सोनिया गांधी को फोन कर जेडीएस को समर्थन देने के लिए मनाया, जिस पर यूपीए अध्यक्ष तैयार हो गईं।